हेलो या नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है सोनू साक और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक्निकल माइंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे इंग्लिश में चैट कैसे करते हैं। दोस्तों, होता क्या, आपका कोई फ्रेंड आपसे इंग्लिश में चैट करता है या कोई भी रिश्तेदार आपसे इंग्लिश में चैट करता है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में बात करना नहीं जानते हैं, यानी कि दोस्तों आपको इंग्लिश आती नहीं है बिल्कुल भी। और आपका कोई फ्रेंड आपको जब इंग्लिश में कोई चैट भेजता है, कोई मैसेज भेजता है, तो आपको समझ नहीं आता है कि इसका क्या मतलब होता है और आप उसे कोई रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। इससे सामने वाले को ये लगता है कि इस बंदे को कुछ नहीं आता है, तो इससे आप भी अनकाउंटेबल फील करते हो कि यार ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ये सोच रहा होगा। तो दोस्तों, अब आपको ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर पर ऐसे कई एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जिससे आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में आके चैट कर सकते हो। तो दोस्तों, एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसकी जो है बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन प्ले स्टोर पे काफ़ी एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिससे प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आज इस जो वीडियो में आपको एप्लीकेशन दूंगा वो एकदम बढ़िया तरीके से वर्क करेगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आप जो है एक बार क्लिक कीजिए और आपकी जो है जो भी आपको जिसने इंग्लिश में मैसेज की होगी उसकी ट्रांसलेट करके दे देगा। और आप भी उस इंग्लिश इसमें मैसेज करना चाहते तो आप सिर्फ हिंदी में लिखिए और उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट होकर उसके पास सेंड हो जाएगी, और उसकी जो भी मैसेज आएगी वो आपको हिंदी में मिलेगी और आप जो भी मैसेज उसे भेजेंगे वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट होके पहुँच जाएगी। तो कौन सी एप्लीकेशन बताऊंगा अभी आपको, मैं अपने वॉल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस टेक्निकल माइंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कहीं लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन आ जाए उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी, एप्लीकेशन का नाम है स्नैप ट्रांस, ये एप्लीकेशन है, इसका लोगो देख लीजिए आप। इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपने प्ले स्टोर से। चलिए मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना स्नैप ट्रांस, देख लीजिए आप इसी कीवर्ड को, इसी को आपको टाइप करके सर्च कर देना होगा। इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन आ रही है तो इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा अपने फ़ोन में। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन मैं पहले से कर चुका हूँ, चलिए ओपन करता हूँ इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मिलेंगी जब आप शुरू में करेंगे, तो यहाँ पे आपको परमिशन दे देनी होगी और इसका जो है सेटअप कर लेना होगा। इसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो ये ऑफ रहेगा, यहाँ पर आपको ऑन कर लेना होगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर और लैंग्वेज आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर तो आपको हिंदी आती तो हिंदी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और आपका जो फ्रेंड आपको करता है मैसेज वो कौन सी मैसेज करता है, इंग्लिश में करता है तो यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका इसका जो है काम ख़त्म हो चुका है। अब चलिए मैं आपको यूज कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जो है ये मुझे मैसेज आई थी हाउ आर यू, तो मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा इसको उठा के इसे यहाँ पर सेट करूँगा, तो ये देख सकते हैं क्या हाल है। बस तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसका मतलब है क्या हाल है, तो मैं इसे बोलूँगा कि ठीक हूँ, तो बढ़िया बढ़िया लिखूँगा मैं यहाँ पे करता हूँ। और इसे मैं जो दोबारा से इसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं गुड, तो यहाँ पे बस इस तरीके से सेंड कर देना है। बस थोड़ा सा है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर लगती है, एक सेकेंड दो सेकेंड उसका ट्रांसलेट होके आप उसे सेंड करते रहोगे और बंदे को ये लगेगा कि यार इसे तो बहुत फास्ट इंग्लिश आ रही है, फटाफट से आप रिप्लाई दे सकते हो। तो दोस्तों, है ना कमाल की एप्लीकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में चैट कैसे कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ये एप्लीकेशन यूज करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, जो कि मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो लेके, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।